हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कब और कितनी बार करना ज़रूरी है, मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं, कई सारे सवाल आते हैं। लोग उसमें ये पूछते हैं कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कब और कितनी बार करना ज़रूरी है। सो अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल है, इस तरह का कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन दो क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। सो चलिए शुरू। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कब करना ज़रूरी है, कब आप रिलेशन बनाएंगे जिससे महिला जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि महिला जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, तो आपको महिला के ओवुलेशन डे में रिलेशन बनाना चाहिए, यानी कि जब अंडाशय से अंडे फूट रहे होंगे और उस दौरान आप रिलेशन बनाएंगे तो महिला जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर आप कैसे पता करेंगे कि महिला में ओवुलेशन डे चल रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि महिला के अंडाशय से अंडे फूट चुके हैं। देखिए, अगर महिला की पीरियड रेगुलर है, महिला की पीरियड टाइम पर आती है, हमेशा 28 या 29 दिन पर उनकी पीरियड आ जाया करती है, तो वैसी महिलाओं में ओवुलेशन भी फिक्स होता है, महीने के फिक्स डेट में उनका ओवुलेशन हो जाया करता है। लेकिन अगर महिला की पीरियड इररेगुलर है, पीरियड टाइम पर नहीं आती है, कभी पहले या कभी बाद में आ जाया करती है, तो वैसी महिलाओं में ओवुलेशन फिक्स नहीं होता है, उनका ओवुलेशन महीने के किसी भी डेट में हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर महिला की पीरियड रेगुलर हो, पीरियड टाइम पर आती हो, तो आप उसका ओवुलेशन कैसे पता करेंगे। देखिए, अगर महिला की पीरियड रेगुलर है, पीरियड टाइम पर आती है, तो उनका ओवुलेशन पीरियड खत्म होने के एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाता है, यानी कि जिस भी डेट में उनकी पीरियड खत्म हुई है उस डेट से आपको 7 दिन जोड़ लेना है, और जो भी डेट आएगा उसके बाद उनका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब अंडाशय से अंडे फूटकर बाहर आते हैं, तो वो अंडा 24 से 48 घंटे तक महिला के गर्भाशय में जिंदा रह पाता है। फिर 48 घंटे के बाद वो अंडा ख़राब हो जाता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट होने के लिए काबिल नहीं हो पाता है, वो ख़राब हो जाता है। यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर में ही अगर महिला को शुक्राणु मिल जाता है, तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर महिला का पीरियड इररेगुलर हो, महिला की पीरियड टाइम पर नहीं आती हो, तो उसका आप ओवुलेशन कैसे पता करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर महिला की पीरियड इररेगुलर होती है, तो उनका ओवुलेशन फिक्स नहीं होता है। तो इस स्थिति में आपके पास दो ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन से आप आसानी से महिला के ओवुलेशन का पता कर सकते हैं। नंबर 1, सिम्टम को पहचान कर, लक्षण को पहचान कर। जब महिला में ओवुलेशन होती है, तो महिला के शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसे पहचान कर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि महिला में ओवुलेशन स्टार्ट हो गया है। जब महिला में ओवुलेशन होता है, तो महिलाओं को सफ़ेद चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज होता है। आपने अंडे का सफ़ेद भाग देखा होगा, कच्चे अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है, ठीक उसी के जैसा महिलाओं को ओवुलेशन के टाइम डिस्चार्ज होता है। अगर आपको आपके पीरियड साइकिल के दौरान इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको श्योर हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जिन महिलाओं में ओवुलेशन होता है, उनके शरीर में और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ महिलाओं के ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है, ब्रेस्ट को हल्का छूने पर भी उनको दर्द सा महसूस होता है। कुछ महिलाओं का बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल माइनर सा बढ़ जाता है। तो अगर आपको पीरियड आने के बाद इस तरह के सिम्टम, इस तरह के लक्षण किसी भी डेट में महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा आप चाहें तो ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में ओवुलेशन किट मिलता है, इस ओवुलेशन किट को यूज़ करके भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल आपको पीरियड ख़त्म होने के एक हफ्ते के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। अगर इस टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट आता है, तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो गया है। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको कब रिलेशन बनाना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब पुरुष का शुक्राणु महिला के गर्भाशय में पहुँचता है, तो वो पहुँचने के बाद महिला के गर्भाशय में लगभग 4 से 5 दिनों तक जिंदा रह पाता है। यानी कि अगर महिला एक बार रिलेशन बना ले और 3 से 4 दिन वो रिलेशन ना भी बनाए, तब भी महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है, ये सलाह दिया जाता है, अगर महिला जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसे हर अल्टरनेट डे में रिलेशन
ज़रूर बनाना चाहिए। यानी कि अगर आपने आज रिलेशन बनाया तो कल नहीं बनाएंगे, फिर आज बनाया फिर कल नहीं बनाएंगे, इस तरह से आपको अल्टरनेट डे में रिलेशन ज़रूर बनाना है। आप चाहें तो दिन में किसी भी वक्त एक बार रिलेशन बना सकते हैं, आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस उतना ही होगा जितना आप बार बार बनाएंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल पे आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे। मैंने आपको हर एक प्रॉब्लम पर अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में बताया है, नेचुरल घरेलू उपाय के बारे में बताया है जिससे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो आप चाहें तो हमारे चैनल को विजिट करके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं, आपके मन से बहुत तरह के कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।